बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश बुक के यूनिट 8 सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1 है, रीड द टेक्स्ट एंड सर्कल द राइट आंसर फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। आंसर चूज करना है इसमें राइट आंसर को। पहला है, द टेक्स्ट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, सिविक सेंस, हेलमेट एंड सीट बेल्ट, ड्राइविंग सेफली। नंबर 1 का आंसर है बी, सिविक सेंसेस। जैसा कि आपने लेसन में देखा है, सिविक सेंसेस एंड सिविक एक्टिविटीज़, ये लेसन का नाम है, इसी बारे में टेक्स्ट है। दूसरा है, अमंग अदर थिंग्स हेलमेट कैन सेव अस फ्रॉम, तो यह हेड इंजरीज, हेड इंजरी से बचाता है हमें हेलमेट। फिर है, वेयरिंग और नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। एक्सरसाइज 2 है, रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए इन बॉक्सेस 1 to 6। द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम बी इन अ जम्बल्ड मैनर, फाइंड द करेक्ट मीनिंग एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इन कॉलम सी। ए में वर्ड्स दिए हुए हैं, बी में उनकी मीनिंग्स है जो कि जंबल है, सी में हमें लिखना है कौन सी मीनिंग सही है। नंबर 1 है फैटल, जानलेवा, और डी है इसका कॉजिंग डेथ। नंबर 2 पे मेजर्स, इकदाम, और आई है इसका स्टेप्स और एक्शन टेकन फॉर अ पर्पस। सी है क्रूशल, अहम। एफ है इसका वेरी इंपॉर्टेंट। 4 है एक्सेसरी, इजाफी अशिया, इजाफी शे, यह ए एडिशनल थिंग। फिर नंबर 5 है पिलियन, मोटरसाइकिल की पिछली सवारी, यह जे अ पैसेंजर होना मोटर बाइक, पीछे बैठी हुई जो सवारी होती है वो प्रोपोर्शनेटली तनासुब से। एच है इसका वैन कंपेयर्ड इन नंबर्स। उसके बाद है 7 पे वल्नरेबल, गैर महफूज। सी पर है फेसिंग पॉसिबल हार्म। फिर है इंडलजिंग, तस्कीन करना, और जी है इसका डूइंग समथिंग फॉर प्लेजर। डिसरिगार्डिंग, नज़रअंदाज करना, और बी है इसका नॉट प्लेइंग अटेंशन टू, और लास्ट है अनटूवर्ड, अनहोनी, और यह है इसका ई अनएक्सपेक्टेड। ये है हमारी एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है, रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ड गिवन इन कॉलम ए इन बॉक्सेस ए टू एफ। द मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स आर गिवन इन द कॉलम बी इन जंबल मैनर, फाइंड द करेक्ट मीनिंग एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इन कॉलम सी। अब हमें वही चीज़ है, ए में मीनिंग है, बी में, ए में वर्ड्स हैं और बी में मीनिंग है, सी में हमें लिखना है। पहला है ऑप्शन, इख्तियार। एम है इसका चॉइस। 12 पे कम्बरसम, भोजन या भारी। यू पे है ये अननेसेसरी, स्लोइंग। फिर 13 पे टफ, मुश्किल, और ये है पीस का डिफिकल्ट। एंकर्ड, साकिन। एस पे है फर्मली हेल्ड इन प्लेस, स्किडिंग, फिसलना, और के है ये स्लाइडिंग। इम्प्लिकेशंस, मशरूत, इशारा या किनारे में बात जो हो। क्यू है इसका समथिंग क्लियर बट नॉट क्लियरली स्टेटेड। 17 पे है लिमिटेशंस, हुदूद या पाबंदी। ये टी है इनएबिलिटी टू परफॉर्म। फिर है इनविंसिबल, नाकाबिले शिकस्त या मजबूत। एल है इसका टोटली सिक्योर और सेफ। 19 पे है सेफ गार्ड्स, हिफाजत करना। यह आर प्रोटेक्ट्स, और लास्ट है एक्सपोजिंग, खतरे से दोचार करना। एन है इसका पुटिंग एट रिस्क। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3 है, द टाइटल इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट 1 बॉक्स ईच, रीड ईच बॉक्स एंड सेलेक्ट विच टाइटल रिप्रेजेंट विच बॉक्स एंड राइट द बॉक्स नंबर इन द गिवन कॉलम। आपको ये टाइटल पढ़ के बॉक्स नंबर लिखते हैं कि किसमें ये बताया गया है। तो 1 है अवॉइडिंग हेड इंजरीज, ये है बॉक्स नंबर 3 में। ये जो दिए हैं बॉक्स 2, 3,
और इसी तरह फोर, इसी तरह आगे जो दिए हैं इनके बारे में बताना है इसमें। फिर है डज वेयरिंग अ सीट बेल्ट गारंटी नो हार्म, ये है ई। ये भी आपको इस तरह दिए हैं बॉक्स, इनमें ए बी सी डी ई इस तरह, तो इसमें से आपको देखकर पढ़ के लिखना है, तो ये है ई। फिर है हेलमेट उसकी समरी, ये बॉक्स सिक्स है। ब्रेक्स फॉर सेविंग योर बॉडी, ये बी बॉक्स बी है। सीट बेल्ट की समरी एफ में है। फन एंड सेफ्टी इन मोटर बाइक राइडिंग, ये बॉक्स वन है। कंफर्ट और हार्म व्हाट इज बेटर चॉइस, ये बॉक्स ए है। चैलेंजेस वॉइस्ड अगेंस्ट वेयरिंग हेलमेट्स, ये बॉक्स फोर में है। इज वेयरिंग अ सीट बेल्ट एन ऑप्शन, ये बॉक्स सी है। वाई वेयर हेलमेट्स, ये बॉक्स टू है। कॉस्ट इन टर्म ऑफ मनी, ये बॉक्स डी है। और लास्ट है हेलमेट्स एंड आई प्रोटेक्शन, ये बॉक्स एस में। ये एस नहीं, फाइव है, हेलमेट एंड आई प्रोटेक्शन बॉक्स फाइव है। और एक्सरसाइज फोर की तरफ चलते हैं। सर्किल द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन चूज करना है हमें। टू डैश दैट इफ अंडरटेकन बाय पीपल कैन प्रोटेक्ट देम, टू मेजर्स बी बोथ राइडर्स एंड डैश राइडर्स शुड वेयर हेलमेट प्लेन, नंबर थ्री है। नॉट वेयरिंग अ हेलमेट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ DI का सीवियर इंजरीज, ब्रेन इंजरी इन अ मोटर बाइक एक्सीडेंट कैन लीड टू परमानेंट, ये है डिसेबिलिटी बी। नंबर फाइव है दोज नॉट वेयरिंग हेलमेट्स आर डी, थ्री टाइम्स मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम हेड इंजरीज। नंबर सिक्स है वेयरिंग अ सीट बेल्ट इज लाइक चूजिंग बिटवीन DI का लाइफ एंड डेथ। नंबर सेवन है फास्टिंग योर सीट बेल्ट कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग बीहेड थ्रोन आउट, बाहर फेंकने से, बाहर गिरने से बचाते हैं सीट बेल्ट हादसे की सूरत में। एट है पुटिंग ऑन योर सीट बेल्ट रिक्वायर अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश चाहिए होती है। इफ यू वेयर सीट बेल्ट यू विल मोस्टली बी सेफ। और डी और उसके बाद टेन है एवरी टाइम यू गेट इन टू योर कार यू मेक अ चॉइस, ए आएगा। एक्सरसाइज फाइव क्वेश्चन आंसर्स है हमारे। क्वेश्चन वन है व्हाट टू इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन सेव पीपल्स लाइफ, कौन से दो अहम हिफाजती इकदाम लोगों की जान बचा सकते हैं। वेयरिंग हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल एंड फास्टनिंग सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार आर टू इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव पीपल्स लाइफ। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनना और गाड़ी चलाते वक्त, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधना दो अहम हिफाजती इकदाम हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। टू है वाई इज़ हेलमेट एंड इम्पोर्टेंट सेफ्टी गियर, हेलमेट एक अहम हिफाजती आला क्यों है। हेलमेट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेफ्टी गियर बिकॉज इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सीरियस हेड इंजरीज इन अ क्रेश बिकॉज इट एब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ अ क्रेश और फॉल। हेलमेट एक अहम हिफाजती आला है क्योंकि ये हादसे में सर की शदीद चोटों के खतरात को कम करता है, मिनिमाइज करता है और ये हादसे में गिरने के असरात को जब्त कर लेता है। नंबर थ्री है हाउ कैन नॉट वेयरिंग अ हेलमेट चेंज द लाइफ्स ऑफ बाइक राइडर एंड देयर फैमिलीज फॉरएवर, हेलमेट ना पहनना मोटरसाइकिल सवारों और उनके अहले खाना की जिंदगियों के लिए को जिंदगियों को हमेशा के लिए कैसे तब्दील कर देता है। नॉट वेयरिंग अ हेलमेट कैन कॉज हेड इंजरीज डिसेबिलिटी ऑफ लिम्स और इवन डेथ, सो इट कैन चेंज द लाइफ्स ऑफ बाइक राइडर एंड देयर फैमिलीज फॉर एवर। हेलमेट ना पहनने से सर में चोट लग सकती है, आज़ा की माजूरी या मौत भी हो सकती है, इसलिए ये मोटरसाइकिल सवारों और उनके ख़ानदान की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। ज़ाहिर है जब एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, जख्मी हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी एक तरह से बिल्कुल बदल जाती है, माजूर हो सकता है,
मर सकता है, तो उनकी अहले खाना की ज़िंदगी बहुत तब्दील हो सकती है, दुख गम में आ सकते हैं वो। फिर है व्हाट हैपेंड व्हेन अ कार इज स्टॉप सडनली, जब कार एक अंगार अचानक रुक जाए तो क्या होता है। व्हेन अ व्हीकल सडनली स्टॉप द ड्राइवर्स बॉडी मूव्स फॉरवर्ड एंड हिज हेड हिट्स द विंडशील्ड, जब गाड़ी अचानक रुकती है तो ड्राइवर की बॉडी आगे को बढ़ती है और उसके जो सर है वो विंडशील्ड से टकरा जाता है। इफ़ द ब्लो इज़ स्ट्रॉन्ग द ड्राइवर में फॉल आउट ऑफ द कार, अगर ये झटका बहुत तेज़ हो, धचका बहुत तेज़ लगे तो ड्राइवर कार से बाहर गिर सकता है। अ सीट बेल्ट कैन कंट्रोल आवर बॉडीज स्पीड एंड स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग थ्रू द विंडशील्ड, सीट बेल्ट जो होता है वो हमारे जिस्म की रफ्तार को कंट्रोल करता है और हमें बाहर गिरने से बचाता है, सीट विंडशील्ड से बाहर गिरने से बचाता है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ अ क्लिक ऑफ अ सीट बेल्ट बटन एन इंश्योरेंस, सीट बेल्ट के बटन को क्लिक करना कैसे एक इंश्योरेंस है, कैसे एक हिफाजत है। इन द इवेंट ऑफ अ सडन क्रैश द सीट बेल्ट होल्ड द ड्राइवर एंड पैसेंजर इन देयर सीट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्ट्राइकिंग द विंडशील्ड, अचानक हादसे की सूरत में, अचानक जैसे कार रुकती है तो सीट बेल्ट जो होता है उस सूरत में मुसाफिरों को, ड्राइवर को अपनी सीट पर बंधा रखता है और उन्हें विंडशील्ड से टकराने से रोकता है। दस द क्लिक ऑफ अ सीट बेल्ट बटन इज़ लाइफ इंश्योरेंस फॉर अ ड्राइवर, इसलिए इस तरह सीट बेल्ट जो है उसके बटन पर क्लिक करना ड्राइवर के लिए लाइफ इंश्योरेंस है, ज़िंदगी की हिफाजत है। एक्सरसाइज सिक्स है वर्क इन पेयर्स कम्प्लीट द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव पार्ट इन कॉलम बी एंड राइट द अल्फाबेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्ट इन द आंसर कॉलम, स्टेटमेंट कंप्लीट करने हैं कॉलम ए में जो दिए हैं, मैच करने हैं कॉलम बी से और सी में लिखना है आंसर हमें। कॉलम ए है वेयरिंग अ हेलमेट कैन प्रोवाइड आई इसका मल्टीपल बेनिफिट टू द राइटर, टू है विंड सन सनरेज एंड डस्ट पार्टिकल्स कैन हिंडर विजन लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, फिर है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आई डैमेजिंग फैक्टर कैन डी है इसका रिजल्ट इन मेजर आई रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, फोर है इन विंटर द कोल्ड विंड्स कैन कॉज एच है डिस्कम्फर्ट एंड आल्सो अफेक्टेड द विजन, नंबर फाइव है वेयरिंग अ हेलमेट इन विंटर कैन मेक ए आ मोटर बाइक राइडर कम्फर्टेबल एंड सेफ, नंबर सिक्स है वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन सेव यू जे है फ्रॉम अननेसेसरी एक्सपेंसेस, सेवन पे है नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन लीड टू जी पर है हाई मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू इंजरीज, नंबर एट पे है मेडिकल एक्सपेंसेस कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सी है इसका डिपेंडिंग ऑन हाउ सीरियस द इंजरीज आर, नंबर नाइन पे है इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट ई है इसका कैन आल्सो इफेक्ट्स वंस अर्निंग कैपेबिलिटी, और नंबर टेन पे है ब्रेकिंग द लॉ बाय नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट ये बी है यू कैन एंड अप पेइंग अ फाइन। एक्सरसाइज सेवन है वर्क इन पेयर्स रीड द बॉक्सेस इंडिकेटेड एंड राइट द रीजन इन ईच केस, ये बॉक्स वन टू और फोर का इसमें से लिखना है हमें, बॉक्सेस पढ़ के और रीज़न बताना है हमें, रीज़न व्हाई पीपल शुड वेयर हेलमेट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अ सीरियस ब्रेन इंजरी से बचाता है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ फॉल गिरने से बचाता है, गिरते हैं उस वक्त मरने से बचाता है अचानक हादसे की सूरत में गिरने से, इट कीप्स यू सेफ इन एक्सीडेंट में बचाता है, हेलमेट विद फेस शील्ड प्रोटेक्ट योर फेस एंड आईज चेहरे और आई एंड आँखों को प्रोटेक्ट करता है, गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर मौसम से बचाता है, टू फॉलो ट्रैफिक रूल पे अमल होता है, इट कीप्स हेयर आउट ऑफ योर फेस चेहरे पे बालों को आने से रोकता है, इट सेव्स फ्रॉम गेटिंग फाइन बाय द ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के फाइन से बचाता है, रीज़न वाई पीपल डोंट वेयर हेलमेट लोग हेलमेट नहीं पहनते उसकी वजह हेलमेट कॉज डिस्कम्फर्ट
इट कैन स्पॉइल द हेयर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द हेलमेट, फील्स लाइक अ वेट इन द हेड, और वेयरिंग अ हेलमेट काज स्वेटिंग, इट कॉज हीट, मेक द विजन एंड हेयरिंग अनक्लियर, और हेलमेट काज स्किन इन्फेक्शन। फिर सीट बेल्ट्स बॉक्सेस पढ़ने हैं ए सी और ई, और रीज़न लिखते हैं वाई पीपल शुड वेयर सीट बेल्ट्स। यह है टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम सीरियस इंजरीज, वेयरिंग अ सीट बेल्ट प्रिवेंट्स इजेक्शन फ्रॉम द व्हीकल ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, बाहर गिरने से रोकता है, अ सीट बेल्ट मिनिमाइजेज द इंजरीज, इट कैन सेव लाइफ एंड लिम्स इन सीरियस एक्सीडेंट्स, जिसम के आसा को बचाता है और जिंदगी बचाता है, इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हिटिंग द विंडशील्ड, इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम डेथ ड्यूरिंग अ क्रैश, प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग अ टिकट और फाइन, जुर्माने से ही बचाता है। रीज़न वाई पीपल डोंट वेयर सीट बेल्ट्स, क्यों नहीं पहनते लोग सीट बेल्ट को, सीट बेल्ट काज ब्रूजिंग एंड एब्रेशन, उसे हमारे जिस्म पे जख्म भी बन सकते हैं, खाल छिल सकती है, सीट बेल्ट आर अनकम्फर्टेबल, वन कैन बी ट्रेप्ड इन बर्निंग व्हीकल ड्यू टू अ स्ट्रक सीट बेल्ट, सीट बेल्ट अगर स्ट्रक हो जाए, अचानक गाड़ी टकरा जाए तो गाड़ी में फंस सकता है, मेक इट हार्ड टू रीच फॉर आइटम्स इन द बैक सीट, जब सीट बेल्ट बांध लें तो पिछली सीट से सामान उठाना मुश्किल हो जाता है, इट कैन कॉज सीरियस फ्रैक्चर्स, द इम्पैक्ट ऑफ सीट बेल्ट ऑन अ पर्सन्स बॉडी कैन कॉज डिसलोकेटेड रिब्स, जो झटका लगता है जब गाड़ी में अचानक गाड़ी रुके या फिर झटके से, तो झटका तेज हो तो पसलियां भी डिसलोकेट हो सकती हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में पहली हमारी रिवीजन है रिलेटिव प्रोनाउंस का। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, होम, हुज, विच एंड दैट। द रिलेटिव प्रोनाउंस गो आफ्टर द नाउन एंड द प्रोनाउंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। ये जनरली हु रेफर्स टू पीपल एंड दैट एंड विच रेफर टू थिंग्स। हु लोगों के इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए, और दैट और विच चीज़ों के लिए। ये इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एक्सरसाइज करते हैं हम। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन चूज करना है, क्या आएगा, द फेस्टिवल विच सी लास्टेड ऑल डे एंडेड विद अ बैंक्वेट। टू है, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन वॉच माई डॉग वाइल आई गो ऑन वेकेशन। थ्री है, द पुलिस नीडेड डिटेल्स दैट कुड हेल्प आइडेंटिफाई द रॉबर सी। फिर है, आई'ड लाइक टू टॉक यू टू अ कैफे दैट सर्व एक्सीलेंट कॉफी। फाइव है, दिस इज द हाउस दैट जमील बिल्ड सी। सिक्स है, आई कैन नॉट से गुड बाय टू वन हुज पर्सनैलिटी आई हैव ऑलवेज लाइक। ए, उसके सेवन पर है, बी, आई सॉ द शूज दैट यू बॉट लास्ट वीक ऑन सेल फॉर लेस दिस वीक। फिर है एट पर, वी मेट आवर फ्रेंड ए हुज फादर पास्ड अवे लास्ट मंथ, दिस इज अ पर्सन होम वी मेट लास्ट वीक बी। उसके बाद टेन पे है, आई हैव अ वॉच विच इज़ 10 years old, डी आएगा इसमें। एक्सरसाइज टू है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद दैट विच हु हुज एंड होम। ब्लैंक्स फिल करनी है, वन है, अ पेंसिल इज समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड, पिज़्ज़ा इज़ अ पॉपुलर फूड दैट वॉज फर्स्ट मेड इन इटली, मिस्टर लियाकत हुज हाउस इज नेक्स्ट टू आवर हाउस इज़ एन इंजीनियर, I bought a cell phone that has 5G internet access. Mosquitoes are insects that like to bite people. Albert Einstein was a scientist who made many important discoveries. My uncle, whom we met last night, helped us with our homework. A helicopter is a machine that can fly. Shah Inayat Shahid is a famous Sufi saint who has millions of followers. Last day, a blanket something is something that people use in winter. Exercise theory hai, work in pairs, combine the following sentence using relative pronouns.
रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करके कंबाइन करना है सेंटेंसेस को. वन ए शाहिद गेव अ लॉन्ग एंड टीडियस स्पीच, ही वॉन द प्राइज. यहाँ हमने लिखा है शाहिद हु वॉन द प्राइज गेव अ लॉन्ग एंड टीडियस स्पीच. हु यहाँ आ गया है. अ चैन ऑफ स्टोर्स वॉन्ट टू ओपन न्यू स्टोर्स अक्रॉस द प्रोविंस, इट डज बिजनेस ऑल ओवर पाकिस्तान. इसका है अ चैन ऑफ स्टोर विच, यहाँ विच आएगा, विच डज बिजनेस ऑल ओवर पाकिस्तान वॉन्ट्स टू ओपन न्यू स्टोर्स अक्रॉस प्रोविंस. थ्री पे है सोशल नेटवर्क साइट्स विल चेंज बिजनेस, दे आर ट्रेंडी. तो इसका है सोशल नेटवर्क साइट्स दैट, यहाँ दैट है, आर ट्रेंडी विल चेंज बिजनेस. नंबर फोर पे है साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन स्टेम सेल्स विल रेवोल्यूशनाइज मेडिसन. तो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन स्टेम सेल्स दैट विल रेवोल्यूशनाइज मेडिसन. यहाँ आया है दैट. फाइव पे लास्ट वीक रिजवान इंटरव्यू सना, शी इज़ माई नेबर. लास्ट वीक रिजवान इंटरव्यू सना, हु इज़ माई नेबर. हु आएगा. सिक्स है यस्टरडे आई मेट अ टैलेंटेड मैन, ही वर्क्स इन अ सर्कस. यहाँ यस्टरडे आई मेट अ टैलेंटेड मैन, हु वर्क्स इन सर्कस. हु आएगा. सेवन है बानो साइन ऑटोग्राफ ए टावर रिकॉर्ड यस्टरडे, शी इज़ अ फेमस म्यूजिशियन. बानो हु आएगा. हु इज़ अ फेमस म्यूजिशियन साइंड ऑटोग्राफ ए टावर रिकॉर्ड्स यस्टरडे. एट वे है जॉन एफ कैनेडी वॉज असैसिनेटेड इन 1963, ही वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ द USA. तो जॉन एफ कैनेडी हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द USA वॉज असैसिनेटेड इन 1963. नंबर नाइन पे द प्राइम मिनिस्टर विल इनाग्रेट अ न्यू हॉस्पिटल, इट्स ऑन 6th Street. द प्राइम मिनिस्टर विल इनाग्रेट अ न्यू हॉस्पिटल विच इज ऑन 6th Street. नंबर टेंथ पे ही सेट ऑन द वुडन चेयर, द चेयर वॉज ब्रोकन. ही सेट ऑन द वुडन चेयर दैट वॉज ब्रोकन. दैट आएगा यहाँ. ये एक्सरसाइज है. यहाँ ये कह रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट रिविजन कर रहे हैं. ये कह रहे हैं नॉर्मली टू इज यूज एज अ ज्वाइनिंग क्लॉज बिफोर द रिपोर्टेड कमांड और रिक्वेस्ट. टू यूज होता है रिपोर्टेड क्लॉज में, रिपोर्टेड कमांड में. एंड द रिपोर्टेड वर्ड इज चेंज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस. जो रिपोर्टेड वर्ड है चेंज हो जाता है जिसका मूड, जैसे जो कहा जाता है सेट तो उसकी जगह टोल्ड या ऑर्डर्ड या इस तरह वर्ड आते हैं, टोल्ड ऑर्डर आस्क रिक्वेस्ट एडवाइस वगैरह. इन डायरेक्ट स्पीच ऑफन द पर्सन एड्रेस इज़ नॉट क्लियरली मैंशन. ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो जिस शख्स से बात की जा रही है उसे मेंशन नहीं किया जाता आमतौर पर. हाउ एवर इट इज़ जनरली क्लियर हु इज़ बीइंग एड्रेस, लेकिन हमें पता चलता है कि किससे बात की जा रही है. इन सच केसेस वाइल चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच द पर्सन एड्रेसेस ऑफन नीड टू बी मेंशन. तो जब हम उसको चेंज कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट में तो डायरेक्ट से, तो फिर हमें उस पर्सन का उसके बारे में लिखना होता है, उसको मेंशन करना होता है. अब इन्होंने एग्जांपल दी है. डायरेक्ट है द मैन सेड प्लीज़ ब्रिंग मी अ चेयर, और इनडायरेक्ट इसको किया द मैन रिक्वेस्टेड हिज सन टू ब्रिंग हिम अ चेयर. अब यहाँ मेंशन नहीं किया गया किसी भी शख्स को, लेकिन यहाँ हमें समझ आ रहा है कि कोई शख्स है जिसे ये कहा गया है, जिससे रिक्वेस्ट की गई है या ऑर्डर दिया गया है. तो इन्होंने यहाँ सन लगा दिया, रिक्वेस्टेड हिज सन. यहाँ किसी कुछ भी लगा सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि सन हो, डॉटर मदर कुछ भी, मदर तो खैर क्या, वाइफ वगैरह. तो अब यहाँ हम आगे एक्सरसाइज करते हैं. चेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द असेंबली. अब यहाँ तो साफ बताया गया स्टूडेंट को कहा है द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू टॉक ड्यूरिंग द असेंबली. फिर है टू पे मदर सेड टू हर सन वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल. मदर एडवाइज हर सन टू वर्क हार्ड और एल्स यू वुड फेल. सब में टू यूज़ हो रहा है, जैसे ऊपर बताया गया है कि टू लगता है. थ्री पे है द गार्ड सेड टू अस
stand in the queue and wait for your turn. Yeah, the guard asks us to stand in queue and wait for our turn. She said to her maid, bring me a glass of water. She ordered her maid to bring her a glass of water. Number 5, the officer said to the peon, let the visitor come in. The officer ordered the peon to let the visitors go in. Number 6, stay indoors during the storm. The government authorities advise people. The government authorities advise people to stay indoors during the storm. Exercise 5A, change the following request into direct speech. अब हमें direct speech में convert करना है, इनको change करना है. 1 है, try to speak gently when talk to old people, the manager said to his staff. The manager asked his staff to try to speak gently when talking to old people. Number 2 है, please turn out the light. Team, when you leave the room, said the organizer. The organizer requested the team to turn off the light when we leave the room. Number 3, give me a glass of water, Yusuf, said grandfather. Grandfather asked Yusuf to give him a glass of water. Sana, please put this plate on the table, said Mrs. Sultan. Mrs. Sultan asked Sana to put that plate on the table. Number 5, make sure that the children are in the bed by 8 o'clock, said father. Father asked to make sure that the children were in the bed by 8 o'clock. Last day, the doctor said to the patient, take your medicine on time. The doctor told the patient to take his medicines on time. Exercise 6 है हमारी, can change the following into indirect speech. Indirect speech में change करना है. 1 है, go away, never come back again, said his boss. His boss ordered him to go away, never come back again. 2 है, the principal said to the naughty students, come after school hours. The principal ordered the naughty student to come after school hours. 3 है, please be seated, said the announcer. The announcer requested the audience to be seated. Number 4, never say no when someone asks for help, the preacher said in his speech. The preacher advised in his speech, never say no when someone asks for help. Be quiet please, children, said the mother. The mother asked the children to be quiet. Number 6, Aunt Sakina, please tell me where to find the keys, said Maqbool. Maqbool requested Aunt Sakina to tell him where to find the key. 7 है, please shut the window, said the little girl to her sister. The little girl requested her sister to shut the window. Number 8 है, water the plant before you go, said my father to the gardener. My father ordered the gardener to water the plants before he went. Number 9 है, soldiers march quickly to the exit, said the commander. The commander commanded the soldiers to march quickly to the exit. Number 10, the clerk said to the man, do not disturb me. The clerk asked the man not to disturb him. Exercise 7, work in pairs and change the following dialogue into indirect speech. Indirect speech mein in dialogue ko change karna hai. Teacher, hurry up class, we are getting late. The teacher asked the class to hurry up and they were hurry up as they were getting late. Tahira, Usma, put these books in the cupboard and tidy up the desk. Tahira asked Usma to put those books in the empty cupboard and tidy up the desk. Alia, put up the picture on the wall, Shazia, and Usma, give me the brush. Alia told Shazia to put the picture on the wall and asked Umema to give her the brush. Leila, Saima, take the dustbin out and empty it while you are there. Leila asked Saima to take the dustbin out and empty it while she was there. Anjum, just leave everything and start putting the chair in order. Anjum told them to leave everything and start putting the chairs in order. Anila, Shahla, blow up the balloons and put them on the string. Anila asked Shahla to blow up the balloons and put them on the string. Teacher, get out of the classroom before the guests come. The teacher ordered the student to get out of the classroom before the guests
come again. Farah pick up all the extra things before going out. Farah asked them to pick up all the extra things before going out. Teacher, wait outside until all the guests are seated. The teacher ordered them to wait outside until all the guests are seated. ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.